ये यहाँ पे भी टूरिस्ट काफी आने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे मॉल रोड का चर्च है ये, और आज सीएम साहब भी आ रहे हैं नैनीताल में। काफी खाली सा हो गया है नैनीताल, देखिए टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। ओपन जिम है यहाँ पे, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ, और आ गया हूँ आज के न्यू वीडियो में। और न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ माँ पाषाण देवी माता के यहाँ पे से। और इधर की तरफ देखते हैं तो माँ नैना देवी मंदिर है, और देखिए जस्ट यहाँ पे घोड़े लगी हैं और टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों सामने, तो बादल से आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है। कल तक धूप थी, और आज सीएम साहब भी आ रहे हैं नैनीताल में। तो जाम की स्थिति थोड़ा कम हो गई है क्योंकि टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया है, और ये लंबा वीकेंड चला था इसलिए जगह जगह जाम था और बड़ी दिक्कत थी, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही थी। अब पार्किंग भी खाली है और नैनीताल के होटल्स भी खाली हो गए हैं। और देखिए नौकाओं की बात करें, देखिए सामने नौका, तो ये दो नौकाएं अभी चल रही हैं। समय की बात करें अभी 10 बज रहे हैं और अभी टूरिस्ट निकला नहीं है, और दो चार टूरिस्ट जो बचा कुचा है नैनीताल में तो वो 11-12 बजे के बाद ही निकलते हैं यहाँ पे टूरिस्ट। तो देख सकते हैं आज झील कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे, देखिए पूरी ग्रीनरी हो रही है। और देखिए यहाँ पे बोट स्टैंड है, और ये तलीताल का एरिया है, देखिए यहाँ पे बस स्टैंड और ये भंवाली वाला रोड जो है इधर से तलीताल से जाता है। और ये देखिए सामने वाला ठंडी सड़क है जो हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि पेड़ पौधे इतनी ज़्यादा हैं वहाँ पे, और हरियाली इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे धूप कम पड़ती है इसलिए वहाँ पे ठंडा रहता है। और ये देखिए नैना पिक सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की, समुद्र तह से यहाँ 2310 मीटर की हाइट है। और ले चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ उधर की तरफ मॉल रोड में क्या चल रहा है, और थोड़ा बहुत मार्केट की तरफ का। ये देखिए सामने ओपन जिम है यहाँ पे, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जिम कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आइए, शाम के टाइम पे आइए, बहुत अच्छा लगता है। एक तो यहाँ पे नेचर ब्यूटी है, पेड़ों से घिरा हुआ है और झील का किनारा है, और बहुत बढ़िया यहाँ पे फोटोग्राफी होती है, तो आप लोग यहाँ पे आके कुछ टाइम बिता सकते हैं यहाँ पे। और इधर की तरफ देखिए सामने बोट स्टैंड, तो ये बोट स्टैंड के रेट लिखे हुए हैं देखिए। और ये सामने यहाँ के जो फेमस होटल्स हैं मॉल रोड के, जैसे एवरेस्ट है, अलका है, इंडिया है, तो ये यहाँ के बड़े होटल माने जाते हैं मॉल रोड के। और कम बजट वाले जो होटल हैं वो आगे की तरफ मलीताल की तरफ हैं और तलीताल की तरफ। बाकी देखिए ट्रैफिक, तो ये रिक्शा चलता है देखिए यहाँ पे, तो ये रिक्शे में बैठने का अलग ही आनंद होता है। ले चलता हूँ मैं आपको मलीताल की तरफ। देखिए टूरिस्ट की बात करें, यहाँ पे मॉल रोड में काफ़ी कम टूरिस्ट है अभी इस समय, तो सुबह का समय है, अभी होटल में ही होंगे और निकलते हैं तो 11-12 बज जाते हैं टूरिस्ट को। और देखिए यहाँ पे ये लाइब्रेरी आ गई है, और यहीं पे बोट स्टैंड यहाँ पे भी है, तो जगह जगह मॉल रोड में आपको बोट स्टैंड मिलने वाले हैं नैनीताल में। और बजट होटल की बात करें, देखिए ऊपर की तरफ बजट होटल हैं, जैसे सानीबार हो गया और गुरदीप हो गया, काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे। और ले चलता हूँ मलीताल की तरफ, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे जगह जगह सीएम साहब के स्वागत के लिए यहाँ पे जगह जगह बोटिंग लग गई है। और देखिए यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे भी बोट स्टैंड है, यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हैं आप। और होटल की बात करें, देखिए यहाँ से होटल शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे होटल आहूजा है, नानक है, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं यहाँ पे, जैसे मचान रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे एम्बेसी रेस्टोरेंट है, और नानक रेस्टोरेंट भी है प्योर वेज में, और पुरोहित रेस्टोरेंट है। ये देखिए यहाँ पे मॉल रोड का चर्च है, ये काफ़ी पुराना है। ये देखिए बजट होटल की बात करें, देखिए सामने है, यहाँ पे भी काफ़ी होटल हैं, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे, आपको 1000-1500-2000 की रेट में, जैसे थोड़ा वीकेंड कम हो जाता है तो यहाँ पे सस्ते हो जाते हैं होटल। और देखिए जगह जगह झंडे लग गए हैं, तो सीएम साहब आने वाले हैं हमारे उत्तराखंड के,
पुष्कर सिंह धामी जी और इनका प्रोग्राम रखा है इधर की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए रिक्शा स्टैंड में हूँ और ये मेन रिक्शा स्टैंड है यहाँ का। तो ये पंत पार्क कहलाता है इधर की तरफ। तो यही प्रोग्राम है सीएम साहब का आज, ये देखिए सामने सजा हुआ है। तो ले चलता हूँ मैं मल्लीताल की तरफ और दिखाता हूँ आज वहाँ पे कितना है। देखिए पहुँच गया हूँ मैं हेरिटेज मार्केट और ले चलता हूँ अंदर की तरफ। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ भी आने लगे हैं और यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। नीचे की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गांधी आश्रम है, तो यहाँ पे मुलंस का काफ़ी बढ़िया रहता है। देखिए रामलाल ब्रदर्स, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बुलंस का रहता है, इनका बहुत काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे सुपर मार्केट भी खुल गई है, तो यहाँ पे सामान ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पान खाना हो तो सामने पान की शॉप है। यह है खड़ी मार्केट। देखिए यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं, सुबह शाम दिन भर यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे हैं। तो ऐसे ही टूरिस्ट यहाँ पे आते रहें क्योंकि यहाँ पे बहुत बेस्ट हो गया है, मार्केट में सामान काफ़ी अच्छा मिलने लगा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मनोत्रा कैंडल है। और आगे की तरफ देखें तो अभी मार्केट खुली नहीं है सही से, तो ले चलता हूँ मैं नीचे की तरफ आपको। तो यहाँ पे फेमस दुकान है नमन स्वीट्स, यहाँ के बाल मिठाई काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र और यहाँ पे पॉल्यूशन का भी खुल गया है, तो आप लोग पॉल्यूशन कराना है तो यहाँ करा सकते हैं। और देखिए ट्रैफिक की बात करें, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है नैनीताल, क्योंकि टूरिस्ट वीकेंड ख़त्म हो गया है और नैनीताल खाली हो गया है। यह है देखिए सामने बी डी पांडे हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का एक लौता है नैनीताल का। तो ये हॉस्पिटल मेन माना जाता है नैनीताल का। और ट्रैफिक की बात करें देखिए काफ़ी खाली सा हो गया है, तो काफ़ी खाली सा हो गया है नैनीताल। देखिए टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक भी खाली हो गया है। तो टैक्सी बाइक अगर आपको रेंट में चाहिए यहाँ से ले सकते हैं आप। तो ये अबरार भाई की शॉप है और ये बी डी पांडे के ठीक सामने है, तो यहाँ से स्कूटी भी ले सकते हैं, बाइकें भी ले सकते हैं। और बाकी मोबाइल का कुछ एसेसरीज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं और मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट भी करिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।